सब्सक्राइब कीजिए सारिकास फूड पार्लर चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जाके जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू सारिकास फूड पार्लर। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन पॉप्सिकल्स। आप इसे वाटरमेलन लॉली या तरबूज का गोला भी बोल सकते हैं, आप इसे जो भी नाम से बोले, ये खाने में होता है बहुत ही मज़ेदार और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। वाटरमेलन हमारा शरीर में एनर्जी देता है क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, तो ये हेल्दी भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कॉमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारिका, आप आए हैं सारिकास फूड पार्लर में, तो चलिए शुरू करते हैं। वाटरमेलन पॉप्सिकल्स बनाने के लिए तरबूज को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसका बीज हमने निकाल दिया है। अब एक ब्लेंडिंग जार में वाटरमेलन के पीसेस को डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/3 कप चीनी। अगर आपका तरबूज ज़्यादा मीठा है तो चीनी कम डालिए, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, हमने वाटरमेलन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस जार में वाटरमेलन जूस को हम डाल देंगे। यहाँ हमने वाटरमेलन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, इसे जार में डाल देंगे। इसे आप ज़रूर डालिए, जब आप पॉप्सिकल्स खाएंगे तब ये छोटे छोटे पीस आपके मुंह में आएगा और पॉप्सिकल्स खाने में और भी मज़ा आएगा। अब इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। पॉप्सिकल्स बनाने के लिए यहाँ हमने कांच के ग्लास ले लिया है। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड ना हो तो आप कोई भी कांच के ग्लास में, कप में या फिर कोई भी डिस्पोजेबल कप या फिर ग्लास में पॉप्सिकल बना सकते हैं। तो वाटरमेलन जूस को एक एक करके सभी ग्लास में हम डाल देंगे। तो देखिए, हमने सभी मिक्सचर को ग्लास में डाल लिया है। यहाँ हमने कुछ आइसक्रीम के स्टिक ले लिया है। ग्लास को हम 2 घंटे बाद फ्रीजर से निकालेंगे और इस आइसक्रीम के स्टिक को सेट कर देंगे। इस पॉप्सिकल बनाने में 5 से 6 घंटे लगेगा, तो 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। 6 घंटे बाद पॉप्सिकल्स को हमने फ्रीजर से निकाल लिया है, ये बहुत ही अच्छे से जम गया है। यहाँ हमने बोल में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया है। इसमें एक ग्लास को 7 से 8 सेकेंड के लिए ऐसे डुबो लेंगे। अच्छे से पानी में ग्लास को चारों साइड डुबो लेना है। अब ग्लास को पानी से निकाल के आइसक्रीम स्टिक को ऐसे हल्का करके घुमाएंगे और देखिए, पॉप्सिकल बाहर निकाला गया, ये एकदम परफेक्ट जमी है। अब हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। तो देखिए कितना अच्छा पॉप्सिकल्स बना है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, वाटरमेलन पॉप्सिकल्स बनके तैयार हो गया है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी दीजिए, ये बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस रेसिपी को अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ रहिए।